पैरासाइट्स यानी कि वो जीव जो अपने विकास के लिए किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें आम भाषा में होस्ट बॉडी कहा जाता है। एक बार अगर ये पैरासाइट्स यानी कि परजीवी किसी होस्ट बॉडी के शरीर में पहुंच गए तो उसके पूरे शरीर को खोखला करना शुरू कर देते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं जो अगर किसी के शरीर में पहुंच गए तो उसे ज़ॉम्बी बनाकर रख देते हैं और फिर उसका क्या हाल होता है? ये सुनकर तो भाई आप दंग रह जाएंगे। द टंग ईटिंग लाउज। दोस्तों, अगर आपको मछलियां खाना पसंद है तो जरा इनसे मिलिए। ये जो द टंग ईटिंग लाउज नाम का पैरासाइट आप देख रहे हैं ना, ये मछलियों को अपनी होस्ट बॉडी बनाता है। सबसे पहले तो ये पैरासाइट अपने लिए एक मछली ढूंढता है और जैसे ही इसे मछली मिलती है ये उसके गिल्स के जरिए उसके मुंह में प्रवेश करेगा और फिर ये मछली की जुबान पर अपना बसेरा बनाकर बैठ जाएगा, जिसके बाद ये पैरासाइट जुबान का जितना भी खून है वो पी लेता है और तब तक पीता रहता है जब तक कि जुबान पूरी तरह से खराब नहीं हो जाती। दोस्तों, मछलियों के लिए एक्सपीरियंस बहुत ही दर्दनाक होता है, लेकिन इससे उनकी मौत नहीं होती बल्कि मछलियां जीवित रहती हैं और ये पैरासाइट उनके शरीर से लगातार जहर पीता रहता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस किसी भी मछली के शरीर में इस पैरासाइट ने अपना बसेरा बनाया होगा उनका क्या हाल होता होगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि ये पैरासाइट हम इंसानों के शरीर में नहीं आता, लेकिन ये उन मछलियों के शरीर में जरूर जाता है जिनको कि हम खाते हैं। ग्रीन बैंडेड बूटसैग। दोस्तों, जो नॉर्मल स्नेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह दिखाई देते हैं और जिन घोंगे की बॉडी को हाईजैक कर लिया जाता है वो कुछ इस तरह दिखते हैं। ये एक ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपनी जिंदगी की शुरुआत बर्ड से करते हैं और उनके शरीर में अपने अंडे छोड़ देते हैं। जब बर्ड्स के वेस्ट मटेरियल के साथ अनजाने में पैरासाइट के अंडे स्नेल्स खाते हैं तो ये पैरासाइट उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और उन्हें अपनी होस्ट बॉडी बना लेते हैं और इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड स्नेल्स की बॉडी कैटरपिलर जैसी दिखने लगती है। यहाँ तक कि ये पैरासाइट स्नेल्स को इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर देते हैं कि वो खुले में घूमने लगते हैं ताकि बर्ड्स आसानी से स्नेल्स को देख लें और इन्हें अपना शिकार बना लें। जब बर्ड्स इन स्नेल्स को खाती हैं तो ये पैरासाइट अपनी एक्चुअल होस्ट बॉडी में पहुंच जाते हैं और इस तरह ये साइकिल यूं ही चलती रहती है। ज़ॉम्बी एंड फंगस। दोस्तों, ये चींटी के सर के ऊपर कुछ निकली हुई चीज आप देख रहे हैं, इसे कॉर्डिसेप कहते हैं। ये फंगस की अजीबोगरीब प्रजाति है जो बुलेट एंट को अपना शिकार बनाती है। जी हाँ, वही बुलेट एंट जिनके बारे में इतना भयानक दर्द होता है जैसे कि किसी ने गोली मार दी। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह की खतरनाक चींटी को अपनी होस्ट बॉडी बनाने वाली ये फंगस कितने खतरनाक होंगे। अभी बात आप सबको बताया कि चींटियां कितनी मेहनती होती हैं, लेकिन कई बार चींटियां रास्ता भटक जाती हैं और ऐसा तब होता है जब ये चींटियां इन खतरनाक फंगस के कांटेक्ट में आती हैं। असल में ये फंगस जमीन पर मौजूद होते हैं जिनके ऊपर अगर चींटियां चढ़ गई तो ये उन्हें इन्फेक्ट कर देते हैं और फिर इनका इन्फेक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये फंगस चींटियों के दिमाग में अपना कब्जा बना लेते हैं और धीरे धीरे उनको अंदर से खोखला कर देते हैं। इस फंगस को और ज्यादा ग्रो होने के लिए पेड़ों के ऊपर चढ़ना होता है और इसलिए चींटियां पेड़ों के ऊपर चढ़ती हैं और वहीं पर मर जाती हैं, जिसके बाद ये चींटियों के जरिए बाहर की तरफ निकलते हैं और अपने दूसरे शिकार को खोजने लगते हैं। ऐसे में जब एक चींटी इस फंगस से इन्फेक्टेड होती है तो उसकी पूरी कॉलोनी इसकी चपेट में आ जाती है और अंत में सभी की हो जाती है मौत। टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी। दोस्तों, अब आप इस पैरासाइट से मिलिए जो हो सकता है आपके आसपास घूम रहे हो। हम बात कर रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी की, जिनकी होस्ट बॉडी कोई और नहीं बल्कि चूहे होते हैं। सिंगल सेल वाली ये पैरासाइट टॉक्सो नाम के बहुत ज्यादा मशहूर है जो डेवलप्ड कंट्री में बहुत ही कॉमन है। जब ये पैरासाइट चूहों को इन्फेक्ट कर देते हैं तो ये उनके दिमाग का सारा सिस्टम हिला देते हैं और चूहे असलियत को छोड़कर काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। तभी तो ये चूहे आमतौर पर बिल्लियों को देखकर भाग जाते हैं, वही इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद पूरी तरह से निडर हो जाते हैं और उनके अंदर से बिल्लियों का डर हो जाता है गायब। सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो ये चूहे बेवकूफों की तरह खुद बिल्लियों के सामने जाकर उनको चढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चूहा बिल्ली के सामने आएगा तो बिल्ली तो उसे अपना नाश्ता बनाने के लिए आगे आएगी, और ऐसा ही इन चूहों के साथ होता है। इनके खुद की बेवकूफी की वजह से ये बिल्लियों का भोजन बन जाते हैं और यही इन पैरासाइट का असली मकसद होता है, क्योंकि इन चूहों से कोई मतलब नहीं होता कि इनका असली टारगेट तो बिल्लियों के अंदर जाना होता है जहां पर ये और भी अच्छे तरीके से ग्रो कर पाते। हालांकि चूहों को छोड़कर ये पैरासाइट्स हम इंसानों को भी इन्फेक्ट करते हैं और कहा जाता है करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस पैरासाइट से इन्फेक्टेड हैं। इसलिए जितना आप इनसे बचकर रहें उतना सुरक्षित रहेंगे। द हॉर्सशेयर वॉर्म। अब इस वॉर्म पर नजर डालिए जो बिना किसी शेप के होते हैं और ये क्रिकेट्स, ग्रैसशॉप्स और प्रेइंग मेंटिस की तलाश में होते हैं। ये सब तब शुरू होता है जब क्रिकेट्स मॉस्किटोज खाते हैं और उन मॉस्किटोज के अंदर द हॉर्सशेयर वॉर्म का लार्वा मौजूद होता है, जैसे मच्छर ने ना चाहते हुए भी पहले खाया होता है, और इस तरह वॉर्म का लार्वा क्रिकेट्स के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वॉर्म ग्रो करता है वो धीरे धीरे इंसेक्ट के दिमाग पर अपनी पकड़ बनाता है और ये क्रिकेट्स को अपने नेचुरल बिहेवियर के विपरीत काम करने के लिए उकसाता है, क्योंकि इस पैरासाइट को डेवलप होने की फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए पानी तक पहुंचना होता है। और अगर हम नेचुरल तौर पर देखें तो क्रिकेट्स पानी से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि वो तैर नहीं सकते,
पर ये वॉर्म उन्हें पानी के अंदर कूदने पर मजबूर कर देता है, जिसकी वजह से क्रिकेट्स डूब जाते हैं और पानी के अंदर रह जाते हैं। ये क्रिकेट्स की बॉडी से निकलकर पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि होस्ट बॉडी से 32 वॉर्म्स तक निकल सकते हैं, और कई बार तो संख्या और भी ज्यादा हो जाती है भाई। जूल कॉकरोच वॉस्प। दोस्तों, चमचमाता हुआ ये इंसेक्ट कॉकरोच के सिर पर अपने डंक मारकर उस पर अटैक कर देते हैं। इस इंसेक्ट का जो वार होता है वो कॉकरोच को पूरी तरह से मारता नहीं है, बल्कि उसके दिमाग के काम करने की स्पीड को कम कर देता है। जिसकी वजह से कॉकरोच जिंदा तो रहते हैं लेकिन उनको करना क्या है क्या नहीं करना ये डिसीजन नहीं ले पाते, और इस चीज का फायदा उठाकर ये इंसेक्ट उन्हें घसीट कर अपने साथ ले जाते हैं और किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपने असली प्लान को अंजाम देते हैं, जहां ये इंसेक्ट अपने अंडों को कॉकरोच के अंदर छोड़ देते हैं और फिर उस कॉकरोच के बाहर निकलने का पूरा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि कॉकरोच बाहर ही ना निकल पाए। जब इस इंसेक्ट के अंडे कॉकरोच की बॉडी में फूटते हैं ना, तो उसमें से निकलने वाले बच्चे कॉकरोच के इंटरनल पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं और विकास करते हैं। जब ये इंसेक्ट पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो कॉकरोच की बॉडी से बाहर आकर अपने दूसरे शिकार को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक पैरासाइट, जिन पर आपका क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में आकर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।